In this question, we have to find the number of real solutions of the equation mod x का value square minus 3 mod x plus 2 equal to 0, ठीक है? तो हमारे पास equation क्या है? Mod x का whole square minus 3 mod x plus 2, this is equal to 0. और हमें ये एक चीज पता है यहाँ पे कि mod of x क्या होता है? This is always greater than or equal to 0, ठीक है? तो mod of x की value कभी negative नहीं हो सकती है. तो यहाँ से हम अब क्या करेंगे? Mod x को हम substitute कर देते हैं y से, ठीक है? तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा y square minus 3y plus 2 this is equal to 0. तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया y में. तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज करने के लिए minus 3y को स्प्लिट कर लेते हैं minus 2y minus y ठीक है plus 2 this is equal to 0 imply that अब हम फर्स्ट टू टर्म्स में से y को कॉमन ले लेते हैं तो इन साइड में आ जाएगा y minus 2 और इनमें से हम इन दोनों टर्म्स में से minus 1 कॉमन ले लेते हैं ठीक है तो इनसाइड में क्या आ जाएगा y minus 2 दिस इज इक्वल टू 0. अब फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे इन दोनों टर्म्स में से y minus 2 कॉमन ले लेते हैं तो इनसाइड में क्या आ जाएगा y minus 1 दिस इज इक्वल टू 0. तो यहां से हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू 2 होगी या y की वैल्यू 1 होगी ओके. और हमारे पास y क्या है mod of x इसका मतलब हम ये कह सकते हैं y को अब हम mod x से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो mod x की वैल्यू 2 होगी या mod x की वैल्यू 1 होगी और दोनों ही क्या है दोनों ही 0 से बड़ा है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 2 और 1 दोनों ही 0 से बड़ा है इसका मतलब दोनों ही सेटिस्फाई करेगा दोनों ही रियल सॉल्यूशन हमें देगा तो यहां से क्या हो जाएगा मॉड ऑफ x इक्वल टू इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 2 और मॉड ऑफ x इक्वल टू 1 यहां से x की वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 तो यहां से x की चार वैल्यू आ जाएगी जो हमारे इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ठीक है और चारों ही रियल सॉल्यूशंस हैं ठीक है हमारे पास क्या-क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 ठीक है चार वैल्यूज आ गई प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि वी हैव फोर रियल सॉल्यूशंस ठीक है दिस इज आवर आंसर.